भाई साहब कारण अगर एक हो तो बताऊं, प्यार इसलिए कराया जी, ये बहुत मतलब ये अटैच है दिल के बिल्कुल, ये मतलब जान बसती है इसकी, मतलब हमारी। पापा ये कहते थे भाई मैं रहूं ना रहूं पर ट्रैक्टर कभी ना देना। और आज मेरे को छोटी सी बात याद आ गई, ये उस तरफ पीछे की तरफ खड़ा था तो उस पर काम वाम नहीं हुआ था, मेरा बेटा हुआ था ये 2016 में। अच्छा, तो ये गोदी में लेके वहाँ खड़े थे, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो उन्होंने बुलाया मेरे को कि भाई इधर आ जाओगे। हाँ जी, उन्होंने देखा कहावत है कि दादा ले पोता बरते, तो आज देख मैंने खरीदा और मेरा पोता आज इसको बैठा है और बरत रहा है। तो आज नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भैया एस्कॉर्ट 335 ट्रैक्टर है, 1992 का मॉडल, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है ट्रैक्टर को बिल्कुल एकदम प्योर जेन्युइन ओरिजिनल तैयार करवा दिया बंदे ने, और ट्रैक्टर ऐसा तैयार करवा रखा जैसे ब्रांड न्यू, जैसे कंपनी से जो ट्रैक्टर आता था वैसा तैयार करवा रखा है ट्रैक्टर ये। और चलो इस ट्रैक्टर के बारे में पता लगाऊंगा वैसा क्या कारण रहा है, आज 30 साल हो गए इस ट्रैक्टर को चलते हुए, किस कारण ये ट्रैक्टर तैयार करवाया, कहाँ तैयार करवाया, कैसे क्या क्या स्ट्रगल है इसका, पूरा बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। भाई साहब एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो बेसिकली। मेरा नाम योगेश चौहान है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव का नाम बेगमपुर खटोला है। अच्छा, बेगमपुर खटोला गुड़गांव में। ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है भाई जी? ये ट्रैक्टर है जी, ये अगस्त में लिया था 1992। अच्छा, अगस्त 1992 का मॉडल है ये। तो ये आप ले आए थे क्या, आपके पिताजी लेकर आए थे? मेरे पिताजी लाए थे। उनका नाम और बता दे एक बार। कुलदीप सिंह चौहान। अच्छा, कुलदीप सिंह जी चौहान जी थे जो इस ट्रैक्टर को लेकर आए थे। तो एक चीज बताओ, जैसे आज भाई इस ट्रैक्टर को 30 साल हो गए और आप गुड़गांव में रहे, तो गुड़गांव में ट्रैक्टर जैसे 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल चलाना अलाउड नहीं है, तो चलो एग्रीकल्चर का एक अलग सिस्टम है, तो आपने 30 साल बाद ये बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू क्यों बनवाया, इसका कारण क्या है? बस जैसे कंपनी से आता आपने वैसा तैयार करवा दिया ट्रैक्टर को। भाई साहब कारण अगर एक हो तो बताऊं इसके। चलो जो भी है जो एक कुछ तो बताओ। ये पापा ने खरीदा था जी, उनके सामने ये बोलते थे अपन को ठीक कराएंगे, तो मेरे को बोलते भी थे कि भाई ये कभी बेकड़ा नहीं है, ये हमारी खरीद हुई पहली चीज है। और देसी भाषा में बोल देते हैं कि भाई कोई कोई चीज शुभ हो जाती है, हमारे लिए बहुत शुभ है, और जो भी आज हम यहाँ हैं, ये घर जो घर है, ये जमीन है जो बची हुई है, वो इसी के कारण बची हुई है, इससे हम मेहनत करते रहे और कमाते रहे, अपने सही गुजारा हो गया। आपके पिताजी मतलब जैसे काम क्या करा करते हो? पापा जी खेती करते थे। अच्छा, खेती करा करते। अच्छा, तभी तो उनका ज्यादा लगाव था इसके साथ। मैं लगाव था जी, फिर हम देखते थे पापा मेहनत करते थे, चाचा है मेरे वो भी मेहनत करते थे। फिर दो चाचा पढ़ाया उनको, सब मेहनत करके ही हुआ जी। नहीं देखो, मेहनत करे तभी तो आगे बढ़े ना, नहीं तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते, पीछे वहीं खड़े हैं आज भी। तो धीरे धीरे उस टाइम पर कितने एकड़ जमीन जोत्या करता ये ट्रैक्टर? 12 एकड़ तो जी अपनी थी। और फिर भाड़ा भी करते थे, फिर भाड़े में मजा नहीं आया, फिर उसके बाद ये हमने पानी में चलाया टैंकर। अच्छा, फिर पानी पुणी जो फिक्स वाले पे चला दिया, फिक्स वाले चला दिया, टैंकर यहाँ से भरना है और वहाँ डालना है। ठीक, लोड भी कम हो गया, मंथली का हो गया। खेत जब भी जुताई करते थे
जो वहाँ से टाइम मिलता था अपना जुताई भी कर, अच्छा अपना खेत का काम भी कर ले और वो भी दोनों काम हो जाए उसमें। नहीं सही चीज है, उसमें ट्रैक्टर ये है ना कम टूटे है। हाँ जी हाँ जी, तो लॉस कम होता रहे। तो फिर आपने एक चीज बताओ, अच्छा ये तैयारी इसलिए करवाया भाई, तैयार क्यों करवाया फिर? ये तैयार इसलिए करवाया जी, ये बहुत मतलब ये अटैच है दिल के बिल्कुल, ये मतलब जान बसती है इसकी मतलब हमारी। अच्छा अच्छा हाँ जी। नहीं जान फिर भी, जैसे भाई कोई आपने आपका लगाव था, आपके पिताजी ने कुछ कहा था? मेरे पापा ये कहते थे भाई मैं रहूँ ना रहूँ पर ये ट्रैक्टर कभी ना देना, और हमारा भी यही है जब तक मतलब ये बच्चों को भी बता के जाएंगे कि भाई हम यहाँ रहे ना रहे लेकिन ये ट्रैक्टर हमेशा रहना चाहिए। अच्छा इसलिए आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू बनवा दिया भाई, मतलब थोड़ा लगेगा ना कहीं भी थोड़ा डल हो रहा है या पेंट भी डल हो रहा है, कुछ काम की जरूरत है, मैं फिर दोबारा इसको फिर रिन्यू करा दूँ, लेकिन मेरे को रखना बिल्कुल न्यू है। मतलब कि और दुनिया भर की चीज आऊंगी चली जाए पर ये लेकिन ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, शोरूम पीस रहेगा, क्योंकि वो है इसी से है, इसी से हम बने हैं तो हम इसको कहीं नहीं देंगे। मतलब एक जैसे ये हुआ भाई परिवार के, जैसे वो कहते हैं ना कुछ लो ऐसा भगवान लो आ जा घर में, वो देसी भाषा में कोई किल शुभ हो है। हाँ हाँ शुभ यही है जी, वो कहा शुभ लो आ घर में आ गया। हाँ जी हाँ जी, इसके बाद आपने जैसे तरक्की करते चले गए। मेरे को छोटी सी बात याद आ गई, ये उस तरफ पीछे की तरफ खड़ा था तो उस पर काम वाम नहीं हुआ था, मेरा बेटा हुआ था ये 2016 में। अच्छा, तो ये गोदी में लेके वहाँ खड़े थे, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो उन्होंने बुलाया मेरे को कि भाई इधर आ जाओगे। हाँ जी, एक कहावत है कि दादा ले पोता बरत है, तो आज देख मैंने खरीदा और मेरा पोता आज इसको बैठा है और बरत रहा है, तो आज कहावत सच हो रही है। नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात तो सही कह रहे हो, और आज तो भी लग रहा है लड़का था भी लग रहा है सीखना। तो आप भी तो आपका बर्थ कब का है? मेरा जी 1990 का है। अच्छा 90 का बर्थ, 15 अप्रैल 1990। अच्छा 90 का आपका बर्थ हो गया, 2 साल बाद ट्रैक्टर आ गया, तो छोटे हिसाब आप भी ऐसे करते हो गए? ये था अपना बचपना दिखने लग रहा है बिल्कुल सामने, क्योंकि शुरू में आप भी एज छोटी थी, धीरे धीरे सब शौक होया करता जी, हम अपना खेत में अपना काम वाम करते चला लेते थे खेत में, रोड पे नहीं ले गए। चलो ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आदमी ने काम सब करे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है काम करना। देखो अपना घर का काम कर रहे हैं, काम करने में कोई शर्म नहीं, काम तो कहीं भी हो, घर का हो बाहर को करने में कोई बुराई नहीं। आपने तैयार कहाँ करवाया फिर? ये मैंने ट्रैक्टर जी ये अपना धारवाड़ा में करवाया चौधरी वर्कशॉप से। अच्छा सत्यवान भाई साहब है, सत्यवान मिस्त्री जी। हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छे मिस्त्री है ना, उस आदमी का तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी, इस मामले में मैंने देखे उस आदमी मिला हूँ मैं 2-3 बार, बहुत बढ़िया और काम परफेक्ट करा है, जो काम कर दिया परफेक्ट करा है। मैंने जैसे आपका ये ट्रैक्टर जो देखा ना, इसमें मैं कमी ढूंढ रहा था, थोड़ा कपड़ा जब थोड़ा रेत साफ करते टाइम कोई कमी मिल जाए, कोई कमी मिल जाए, पर बंदे ने कहा हाथ ऐसा लग रहा है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट, उसके बाद पेंटिंग भी परफेक्ट उस बंदे की, ये चीज है मतलब शोरूम पीस बना दिया बिल्कुल। अच्छा ये है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर दिखा दें बिल्कुल, ये देखो वह ट्रैक्टर शुरू से लेकर आगे से दिखाते हैं आप लोगों को। पहली बात तो जो सत्यवान मिस्त्री जी ने जो ट्रैक्टर तैयार कर दिया उसमें कोई कमी निकालनी बहुत मुश्किल है, हर चीज़ के ऊपर जैसे प्लस कैप तक भी लगा हुआ पूरा, लोगो वगैरह सारी सिस्टम प्रॉपर तरीके से, कोई कॉर्नर में कुछ नहीं, पेंट वेंट बम्पर मतलब कहीं भी कोई भी डाउट नहीं, जैसे मान के चलो नट टाइट करते हैं तो उसके बाद डेंट वेंट कुछ ना कुछ लगेगा, उस पर भी दोबारा बाद में पेंट करा है इन्होंने, ये नहीं अच्छे तरीके से स्टिकर वगैरह लगा गए प्रॉपर तरीके से। अच्छा साइलेंसर ये 7 का है इसका? नहीं जी 7 का भी है मेरे पास, इसका बाकी सामान पड़ा हुआ है अभी। अच्छा 7 का कुछ सामान जो बदलवाया है आपने वो रख लिया? वो भी मैं अपने घर लेके आऊंगा, वो भी भाई साहब के पास ही है। अच्छा उनके पास रखा हुआ है, ठीक ठीक, पास ही है, वो भी मैं लेके आऊंगा, वो मैंने बोल दिया था भाई मैं इसकी मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। नहीं जरूरी है जी वो चीज जब बकलने। अच्छा ये आपने डायनामो आता था इसमें तो अल्टरनेटर लगवा दिया, ठीक आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि आजकल मिस्त्री मिलने मुश्किल है। हाँ फास्ट भी है फिर जैसे रिपेयर भी है उसकी, उसकी रिपेयरिंग भी नहीं होती हर चीज इस मामले में उस बंदे के लिए, इस ट्रैक्टर में ना कहीं नुक्स नहीं निकाल सकते हम वाक्य में। अच्छा हाई लो गियर के साथ में, 3 गियर के साथ में है, एक रिवर्स हो गया और 3 गियर फॉरवर्ड के लिए, हाई लो यानी कि 3, 4, 8+3, 6 और 2, 8 हो गए गियर टोटल, 6+2 है, 6+2 गियर, से मीटर वगैरह सारे प्योर ओरिजिनल बिल्कुल। एक बार योगेश ट्रैक्टर की थोड़ी आवाज सुना के दिखा दे यार, आवाज का जो मजा है ना वो अलग, सुना दे आवाज सुना दे एक बार। स्लो कर स्लो कर स्लो कर, स्लो का जो स्वाद है ना, दो सिलेंडर है ट्रैक्टर बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में,
कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं, अब भी ऐसा अरेस्ट है थोड़ी ही। यो कभी रोड पर भगा, बंद कर ले बार, बंद कर ले, रोड पे भगा के देखा कभी? हाँ जी देखा है। कितना भाग ले, भाग गया तेज कर दे ट्रैक्टर उस टाइम? अब ये 25 या 30 के बीच भी है स्पीड, इसकी ज्यादा नहीं है, ये लो स्पीड वाले ट्रैक्टर है। हाँ, लो स्पीड है ये, थोड़ा वो बोलते हैं देसी ठंडे ट्रैक्टर है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, जल्दबाजी क्या, हमने कौन सा आग बुझानी है, कहीं जा गए खेत मारा में प्यार तक काम करते रहो। इनका ये भी तो स्वाद है, जैसे आपने रेस छोटी ब्रेक का काम करते हैं, अपने आप रुक जाएंगे। ये ऐसे है ना, ये वाला था पता नहीं 335 ही था शायद, एक सोनीपत में दो बंदे ऐसे, दो भाई थे वो काम करने लग रहे थे, वो काफी एजीज थे, वो बोले बोला चल बेटा तेरे को मजाक भगा के दिखाता हूँ, ट्रैक्टर में पूरी रेस दे दी, वो ट्रैक्टर स्लिप 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 12 गियर रो ले रहे थे वो, और मोड़ पर मार मंदा स्लो कर ले, बोला कुछ नहीं स्लो, रेस छोटी ट्रैक्टर एकदम बिल्कुल वही खड़ा हो गया एकदम, स्लो स्पीड में मोड़ा फिर रेस दे दी, मतलब ट्रैक्टर सही बना रखे थे ये, बढ़िया परफेक्ट एकदम उस टाइम के हिसाब से ठीक है, लेकिन अब तेजी का जमाना आ गया तो नए ट्रैक्टर का मतलब। हाँ वो देखो एक अलग चीज़ है भाई। हाँ, देखो समय के टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बदल रही है, सुविधाएं बदल रही हैं, तो सारी चीज़ें बदल जाएँ वो तो टाइम टू टाइम। नहीं एक बात है भाई योगेश, ट्रैक्टर है ना, एक चीज़ और भी है, चलो मिस्त्री ने जो ठीक करना था कर दिया, पर आपने भी ट्रैक्टर ना कहीं से सफाई के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, कोई लीकेज नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम पर खेत जुताई बुआई करके जो भी है, फिर उसके बाद में सर्विस स्टेशन पे स्पेशल धुलाने जाता हूं इसको। अच्छा स्पेशल धुला के लेगा, धुलाने के लिए ले जाता हूं। नहीं सही है। अब एक चीज और बता भाई, तेरे यहां तो ट्रैक्टर है भी वैसे बहुत कम। हां जी अब तो कम ही है, जैसे आप लेके निकलो शहर में, कोई बंदे पूछते नहीं गए ये शहर में तो नहीं, लेकिन गाँव में चलाता हूँ, तो मतलब जो भी है गाँव के ये भी कहते हैं भाई ठीक है जो किया तूने बढ़िया किया है, तेरे पापा लेके आए थे नहीं अच्छी बात है, अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग, बढ़िया थोड़ा ना प्राउड सा फील करते हैं कि भाई ये अपने पिताजी से इतना प्यार करता था। देखो जो भी है, देखो माँ बाप, जो माँ बाप हमारे लिए जान छिड़के तो बच्चों ने छिड़कनी चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप सबके प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों ने भी कहीं ना कहीं मौका मिले आप भाई बंदा ठीक है उसको थोड़ा अप्रिशिएट मिल रहा है, अप्रिशिएशन होना चाहिए। अच्छा ये यहाँ पर प्लेट लग रही है इसकी, ये प्लेट लग रही है 335 एस्कॉर्ट कंपनी का, स्लो स्पीड ट्रैक्टर होते थे बड़े मस्त ये वाले, टायर 12/4/28 का है, 12 प्लाई के साथ में टायर भी हैवी है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बना रखी बंदे ने, पीछे से आगे तक पूरा ट्रैक्टर मस्त। थैंक यू भाई योगेश, बड़ी अच्छी चीज़ संभाल कर रख रखी है भाई, और आपने अपने पिताजी को बड़ी अच्छी एक गिफ्ट दिया है, चलो वो आज नहीं है तो कोई बात नहीं, एक अलग है। पर एक चीज़ और बताओ, आप कहीं जैसे ट्रैक्टर देखो हो, चलो ये तो अपना तो है घर पे खड़ा ही है, इसके तो सीधी अटैचमेंट है, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो और ये ट्रैक्टर मिल जाए आपने तो क्या महसूस करोगे? मैं बताऊँ खेत में काम अगर कर रहे हो तो मैं रुक के देखता हूँ उनको, एक बार देखा है ठीक है, जनवन है या कुछ वैसे है भाई, कितने साल, मैं पूछता हूं आपकी तरह के भाई कितने साल पुराना है, फिर उनको मैं बताता हूं भाई हमारे पास भी ये ट्रैक्टर है इतने साल का है। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा वो लगाव हो जाए आदमी का, बिल्कुल और लगाव का ये कारण है जो आज ये इतना अच्छा आपने तैयार करवा के रखा है। वैसे ट्रैक्टर रखो तो ऐसा ही रखो, हाँ जी बड़े अच्छे तरीके, कुछ आदमी ऐसे भी सोचते हैं भाई ओरिजिनल का एक अलग मजा है, हर चीज़ का अपना सबकी अपनी अपनी सोच है वो तो खैर। चलो भाई थैंक यू योगेश, काफ़ी अच्छा, कोई नहीं भाई कोई नहीं, आपने मेरे को तो आपके ट्रैक्टर ने खींच लिया, आपके लगाव ने खींचा है, क्योंकि भाई आपने इतनी अच्छी चीज़ संभाल कर रखी, सुंदर बना कर रखी हुई है, तो लोगों तक पहुँचानी जरूरी थी। चलो जी थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई। और भाई जैसे ही वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।